हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम एडवांस मैथ एल्जेब्रा का पार्ट टू करेंगे। पार्ट वन में हमने इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, आज हम एल्जेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन दिया है x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए और पूछा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फ्रेंड्स, इसका जो डायरेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेंड्स ए स्क्वेयर माइनस टू। डायरेक्ट आंसर रहेगा ए स्क्वेयर माइनस टू। सपोज एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें फाइव दी हुई है और पूछा हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर कितना आएगा, तो डायरेक्ट आंसर रहेगा 25 माइनस टू इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट है, अगर आपके पास x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और आपसे पूछा है एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या रहेगी, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए स्क्वेयर प्लस टू। ए स्क्वेयर प्लस टू इसका डायरेक्ट आंसर होगा। सपोज हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर फाइव दी है तो क्या हो जाएगा 25 प्लस टू इज इक्वल टू 27। अगर ये वैल्यू हमें इक्वल टू फाइव दी हुई है तो ये आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ए दी हुई है और हमारे से पूछा हुआ है x की 4 प्लस 1 अपॉन x की 4, ये चीज पूछी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी फ्रेंड्स? इसकी वैल्यू रहेगी फ्रेंड्स इसकी वैल्यू रहेगी ए स्क्वायर माइनस टू। सपोज ए हमारे पास यहाँ पर 5 है तो क्या आ गया ये 23। अगेन इसका स्क्वेयर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 529 माइनस 2 इज इक्वल टू 527। फ्रेंड्स, अगर यही हमारे पास होता x की पावर 6 तो अगेन इसका स्क्वायर माइनस 2, मतलब यही सीरीज चलती जाएगी स्क्वायर माइनस 2 जब तक कि हमें आंसर नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू दी हुई है सपोज ए और हमारे से पूछा हुआ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स
अगर निकालना है तो इसकी डायरेक्ट जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा प्लस माइनस रूट ए प्लस टू। सपोज हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 प्लस 2 हो गया 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्लस माइनस रूट 3। इस तरह से आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और वैल्यू पूछी हुई है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की, तो इसके लिए डायरेक्ट जो फार्मूला रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा प्लस माइनस रूट ए माइनस टू। ए माइनस टू रहेगा इसमें, तो मींस अगर हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है फ्रेंड्स, सपोज 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 माइनस टू हो गया 4, तो प्लस माइनस 2 अगर ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, ए माइनस 2 प्लस माइनस रूट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 दे रखा है हमारे पास ए और हमारे से पूछा हुआ है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा प्लस माइनस रूट ए प्लस 2 और प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए की वैल्यू है 47, देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, 47 प्लस 2 और प्लस 2, 47 प्लस 2 कितना हो गया 49, 49 करो तो 7, 7 प्लस 2 हो गया हमारे पास 9 और 9 का रूट कितना होता है 3, 3 डायरेक्ट आंसर आ गया फ्रेंड्स। ऐसी नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और वैल्यू पूछी हुई है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला रहेगा फ्रेंड्स प्लस माइनस b प्लस 2 माइनस 2 होल रूट रूट b प्लस 2 माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है a की 119, तो कितना बन जाएगा ये 119, सॉरी यहाँ पर a आएगा a 119 प्लस 2 कितना हो गया 121, 121 का रूट होता है 11, 11 माइनस 2 किया 9, 9 का होल रूट होता है प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 इसकी
वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स। आगे देखिए, अगर आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू a दिया हुआ है और वैल्यू पूछी हुई है x माइनस वन अपॉन एक्स की, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होगा, वो होगा फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस फोर का रूट। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास सिक्स, तो 36 माइनस फोर क्या आ जाएगा 32। 32 का रूट आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स की a दिया हुआ है और पूछा हुआ है हमारे से x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, इसका डायरेक्ट फार्मूला रहेगा ए स्क्वायर प्लस फोर। सपोज ए हमारे पास लाइक थ्री है, नाइन प्लस फोर कितना होगा रूट 13। नेक्स्ट है, अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारे पास ए दिया हुआ है और वैल्यू पूछी हुई है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की, तो इसके लिए डायरेक्ट उसमें हम जो स्क्वायर था हमारे में उसमें हम ए स्क्वायर माइनस टू और ए स्क्वायर प्लस टू करते थे, इसमें क्या ट्रिक रहेगी फ्रेंड, इसमें ट्रिक रहेगी ए क्यूब माइनस थ्री ए की, ए क्यूब माइनस थ्री ए। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर मेरे पास फाइव है तो कितना हो जाएगा ये 125 माइनस 15 110। ऐसी अगर x माइनस वन अपॉन x हमारे पास a दिया हुआ है और हमारे से पूछा हुआ है x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा a क्यूब प्लस थ्री। अगर तो माइनस दिया होगा तो प्लस आएगा, अगर तो प्लस दिया होगा तो माइनस आएगा, ट्रिक यही चलती रहेगी आगे तक। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर फाइव है तो क्या आ जाएगा 125 प्लस 15 इज इक्वल टू 140। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसके हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल मेंस के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।